बजे कोई गाड़ी के चारों ओर चक्कर मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। और गौरव मतलब शॉक्ड कि भाई अभी इतने रात को कौन है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑस्कर एंड कर्मा। एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट डॉग फिटनेस, ह्यूमन एंड डॉग्स दोनों की, एंड अबाउट लाइफ। तो आज का हमारा इवेंट रूल्स के साथ फूड टेस्टिंग इवेंट व्हिच विल बी डन बाय ऑस्कर एंड कर्मा। वी आर वेरी प्राउड अबाउट दिस वन। एंड सेकेंड, हम विंटर ब्रुक है जो कि मनाली में एक होम स्टे है, तो उनके जो फाउंडर हैं वो आज हमसे मिलने आएंगे। दे आर डूइंग अ वेरी कूल थिंग विच वी विल मे बी इवेंचुअली मैं आपको बताऊंगी क्या कर रहे हैं। सो मनाली में होम स्टे है कॉल्ड एज विंटर ब्रुक, वेरी नाइस, एक्सट्रीमली नाइस। सो नाउ हम लोग सबसे पहले जाएंगे, आर गोइंग टू बी टेस्टर्स एट रूल्स इवेंट्स जो कि क्ले वर्क्स पे हो रहा है एंड विच इज इन जेपी नगर, एंड वी आर वेटिंग फॉर गौरव। सो गौरव आ रहा है कार लेके एंड देन वी आर गोइंग टू गो। देखो मेरा हैंडसम मुंडा, क्या बात है, गऊ लग रहा है एकदम, है ना। और इसका देखा, इसके अलग ही शौक है भाई, अलग ही शौक है इसके। मुंडी बाहर नहीं निकलेगी तब तक इसको मजा नहीं आएगा। एंड दूसरा देख रहे हैं आपको, दूसरा ये देखो, इनके अलग ही ख्याल, सारी दुनिया के ख्याल, इन्हीं के अब कभी कभी मेरे। अच्छा दिल में ये रहे हम तीनों, तो हम तीनों मैच कर रहे हैं। देख लो, वाइट, ब्लैक, ब्लैक, तेरे में थोड़ा ब्राउन भी आ गया। ऑस्कर भैया मेरे पीछे बीच ट्रैफिक में इसने वापस अमरूद लिया, अभी साफ करके दिखाएगा गौरव। करो, ये देखो देखो साफ किया है, देख रहे हो, चाट के साफ कर दो साफ। ये देखो, ये सब चीजें ही सब पसंद है। जब भी अमरूद लेके आएगा बड़े ही शिद्दत के साथ उसे साफ करता है, हाथ उसके ऊपर ऐसे लेगा और हाथ ऐसे उसके ऊपर मसलेगा, ये इसका अमरूद साफ हो जाएगा। फिर ये खाने लगता है, चाहे अमरूद हो कोई और फ्रूट हो, ऐसे ही साफ करता है वो। पानी वानी को उसको यूज नहीं है, उसके हाथ में सैनिटाइजर है। पहुंच गए हैं क्ले वर्क्स जो कि वहाँ पे, ओ माय गॉड। वैसे गौरव का लुक देखो, क्या हैंडसम लग रहा है, ओ माय गॉड, हाँ एकदम गऊ लग रहा है। एंड पहले सबसे पहले ऑस्कर कर्मा का ऐसे से कराएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग कराएंगे, नहीं कर लेते अपने आप, मतलब हाँ ऑस्कर कर्मा खुद सुसु कर लेते हैं, किसी को पता ही नहीं था, गौरव ने बता दिया एंड देन विल गो इनसाइड। हाँ कराएंगे, कैसे पकड़ नहीं पड़ा, ढूंढ कर आता हूं, बहुत तमीजी मत करो। अभी हमारा गौरव बनाएगा दिया, लेट्स सी गौरव के डिजाइन क्या होते हैं। एक्सप्रेशन ऐसे दे रहा, मतलब ये आज तो क्या बना के निकालेगा गौरव। ये बना दिया गौरव ने, देखो क्या बात है, चीयर्स। क्या बात है गौरव, है पूजा का नाम, अच्छा Oscar Karma. This is Tanis and this is Azri and there's a story of clay works जो कि बताएंगी तनीस। Hi, we were celebrating her birthday, it's your birthday, and she's very interested in arts and crafts, and during the time we said why don't we look at, you know, spreading the word, spreading the, you know, the feel of coming out and spending time when people, you know, get to be able to get that small break and have things that they can do apart from just eating. We wanted people to be able to come de-stress in the place and be able to do quick items, quick painting, quick art and craft activities that wouldn't be very long, and they would be able to, you know, cut away from this and this that goes on in the mind over there, all of this, and get the hands free to do pottery, to do painting, to do arts and crafts that help you connect to your inner self.
ये वो सारे पेंटिंग वर्क है जो लोगों ने अपने अपने करके रखे हैं, जिसकी सारी जो डिजाइंस हैं सारी करके इन्होंने रखा है, एंड देन पीपल कैन कम एंड कलेक्ट. साइड में मुंह मैं नहीं देखूंगा, जल्दी जल्दी कर रहा दोबे कर रहा हूं, हमको डर लग रहा है. ओ माय गॉड, या इट हैज टू बी नो रेक्टिन को एनीवेयर, यू हैव टू जस्ट किया. अच्छा और करो, मैंने करवाना था ना तुमको, अब तुम उसके एकदम जैसा पैर था वैसा मुझे वापस चाहिए. जैसा पैर था वापस उसी वैसा ही चाहिए मुझे, अभी करवा तो लिया, ये मुझे पता था. खाना आ गया है, ये गौरव ने ऑर्डर की है कॉफी, कोल्ड कॉफी. लुक एट दिस कोल्ड कॉफी, ऐसे है जो ऑर्डर करते हैं कॉफी विदाउट शुगर और फिर हमारे कोल्ड कॉफी में जो पी लेते. ठीक है ठीक है, करती हूँ तो पूरा तो नहीं खा रही ना. और ये सो ये दोनों खा रहे हैं अभी खाना. सो लुक एट दिस पेंटिंग, दिस इज चारकोल पेंटिंग एंड ये हैंड ड्रॉन है यार. लाइक जस्ट लुक एट दिस, दिस इज टू रेज द चैरिटी फॉर रेस्क्यूज. इट्स अमेजिंग ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट. सो गाइस, दिस इज व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड, पैनकेक. इट्स ओके, कभी कभी ये सब आप ले सकते हो. और ये रही मेरी कॉफ़ी, यहाँ पे गौरव बैठा है एंड यहाँ पे राहुल फ्रॉम डेली रिपोर्ट. डू चेक आउट देयर पेज, देयर वेबसाइट टू नो मोर अबाउट. ये बोल नहीं सकता ना, लिंक इन द बायो बट हां. हां, लिंक इन द बायो नहीं होता है YouTube में, सो डू डेफिनेटली चेक आउट दैट. गाइस, दिस इज विनी, दिस इज रुस्तम, एंड ये रही मसाबा, जिसको घर पे खाना नहीं मिलता है. विनी प्लीज खाना खिलाया करो यार, प्लीज खिलाया करो. देखो डस्टबिन से खा रही है, गले में ये सब डालने से कुछ नहीं होगा, खाना खिलाया करो. सारे के सारे ऐसे ही है, भुक्कड़ भिखारी, कि घर में इन लोगों को खाना नहीं मिलता है. एंड फाइनली काफ़ी दिनों बाद, हाउ मेनी आफ्टर हाउ मेनी डेज, आई थिंक लास्ट वी मेट लास्ट ईयर, नो हाँ. ओह रियली, टू यू हैव टू स्टार्ट कमिंग टू मोर विलेज. यस यस, सो इट्स बीन रियली. हम लोग जाएंगे घर, यहाँ से घर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ देखते हैं कहाँ जाएंगे, गौरव से पूछना पड़ेगा घर जाएंगे कि कहाँ जाएंगे. हाँ हाँ ओके, लेट्स गो. हाय गाइस, ये निखिल, निखिल विंटरब्रुक मनाली में थे एंड वहाँ पे हम लोग इन्हें मिले थे फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही इज जस्ट टेलिंग हिज स्टोरी. आप बता रहे थे बचपन में आप कैसे डॉग से डरते थे. यहाँ पे मतलब रहते थे रांची में, तो वहाँ पे मतलब क्या था कि मतलब जिस भी एरिया में रह रहे हैं स्ट्रे डॉग्स हैं आसपास में, तो वहाँ पे मतलब आते जाते स्कूल से आते जाते डर लगा रहता था भाई कोई दौड़ा दे 8-9 बार, तो रेस भी हो गई तो बच गया लेकिन काटा नहीं. तो उस समय मतलब उस समय लगता था भाई क्या डर है डॉग से, इधर उधर भागा इधर बच बचा के निकल जाओ, घर बैठा रहता था. किसी के घर भी जाओ जिसके घर में डॉग से, तो पीछे जा बच के रहोगी कहीं भाई कूद ना ले या आ ना जाए. आज की डेट में मतलब फास्ट फॉरवर्ड 20 ईयर्स आई एम रनिंग अ पेट फ्रेंडली होम स्टे. तो हर चीज़ एंड विंटर ब्रुक्स बेस्ट पेट फ्रेंडली होम स्टे है ऑनेस्टली. सच बता रही हूँ, मैं बहुत जगह पे गई हूँ निखिल. कनेक्शन जो आपके क्रिएट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इधर पे बैठने अलाउ कर रहे हो या उधर पे बैठने अलाउ कर रहे हो. आपने जो अंडरस्टैंडिंग दिखाई, मतलब आप जो समझने की कोशिश करते हो और यू अंडरस्टैंड दैट ये भी एक लिविंग क्रिएचर है एंड विदाउट पासिंग एनी जजमेंट एंड यू आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट, वो देख के मुझे मतलब आई वॉज शॉक्ड कि कोई इंसान इतना समझता है जिसके पास डॉग नहीं है. ग्रेजुअली यस,
नहीं आपके पास डॉग भी नहीं है ना, देखो मेरी समझ तो तब आई जब ये दोनों आए, आप जो आपकी स्टोरी बता रहे हो ना, मेरी भी स्टोरी ऐसी ही है कुछ, मुझे मेरे पूरे घुटनों पे कुत्तों ने काटे हुए हैं मेरे को एक बार 9 या 10 कुत्तों ने दौड़ाया है और मैं पूरा ऐसे, हम लोग एयरफोर्स में रहते थे एंड पूरा ऐसे गोल 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 घूम के आई हूँ मैं, पूरी बिल्डिंग कैसे राउंड कट कर करके आई हूँ एंड वहाँ पे निखिल आए, निखिल का बहुत अच्छा लगा एंड निखिल इज प्लानिंग बहुत ही एक्साइटेड चीज़ें विंटर ब्रुक्स पे एंड वी आर एक्साइटेड टू सी दैट। एंड आपकी टैग लाइन क्या थी एक बार वापस बोलना विंटर ब्रुक्स के लिए? ब्रिंगिंग ह्यूमंस एंड पेट्स क्लोजर टू नेचर। हाँ, तो आज अभी इनको वापस छोड़ के जिम जा रहे हैं, आ रहे हैं और कोई मस्ती नहीं होना, ठीक है सो जाओ तब तक, खिलाया भी आज गौरव। आ रहे हैं जिम जा रहे हैं जिम। गौरव की यहाँ बिंदी बना दी, मुंह पे ऐसे छील दिया, मतलब क्यों क्यों किया जा रहा है तुम्हारे साथ ऐसा? हाँ प्यार करते हैं तुमको, ये देखो सब कर दिया। वैसी फिटनेस फ्यूल फैक्ट्री है जो कि है HSR में, इफ यू आर इन बेंगलुरु यू कैन डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन हियर। नीचे जाओ नीचे जाओ, चलो बाहर चलते बाहर चलते बाहर चलते बाहर चलते। ओके 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 ओके। ऑस्कर रात हो रही है, ऑस्कर 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 देख रहे इसको गुस्से में यार ये कितना प्यारा लगता है, खिलौना लेके आया ऊपर कि मैं इसके साथ खेलूं, इसे बाहर भी खिला के लाए, दोपहर में भी खिलाया है, मतलब कितने बार खिलाया, लेकिन इनका जी है कि भरता नहीं। वहाँ पे एक विंडो है तो वहाँ पे वो टेबल पे बैठ के काम कर रहा था एंड अराउंड 2:30-3 बजे कोई गाड़ी के चारों ओर चक्कर मारे जा रहा है और गौरव मतलब शॉक्ड कि भाई अभी इतने रात को कौन है, यानी यहाँ बोल के उसने कहानी छोड़ दी। फिर हम लोग ऑस्कर वर्मा को वॉक पर लेके चले गए। फिर वापस आते हूँ मैंने पूछा कि अच्छा तो कौन था वो? सिक्योरिटी गार्ड। बोलता है पागल हो, अगर सिक्योरिटी होता तो मैं डरता। मैंने कहा फिर कौन था? ये कहानी सुन के मैं अपने घर में भी ऐसे डर डर के चल रही हूँ, मैं कुछ भी हो रहा है एकदम अलर्ट हो जा रही हूँ, मैं मतलब खुद के परसेप्शन और अलग ही लेवल आने लग गए हैं। एंड बाद में आया जब मैं घर तो उसने बोला कि वो गाड़ी साफ करने वाले भैया थे, रात के 2 बजे गाड़ी साफ कर रहे थे, वो यहाँ पे सिक्योरिटी भी करते हैं एंड गाड़ी साफ भी करते हैं साथ में। इतना बदतमीज़ है ना, इतना बदतमीज़ है, सच बताऊँ ये ऑस्कर कर्मा का बाप भी। मैं इतना डर रही थी, मैं पूरे रास्ते में अपने थर्ड रूम में भी जाने तक डर रही थी और ये अपनी ऐसी गलत गलत गंदी गंदी कहानियाँ बता के ऐसे, मतलब मैं सोची कि अब तो मैं घर में अकेले ही नहीं रह पाऊँगी, क्या ये घर ये है, अभी 1 वीक हुए हैं, इस घर में कुछ है क्या, ब्ला 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 सारे ये मेरे ख्यालात आ गए। और ये बदतमीज बाद में बोलता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड कार साफ कर रहा था। सीरियसली यार, मतलब आपको भी ऐसे किसी ने स्टोरी सुनाई है जो आप नए नए घर में शिफ्ट किए हो या कहीं पर रहते हो ऑलरेडी और आपको ये तरह की स्टोरियाँ सुनाई गई हैं? सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ये बताइए कि ऐसी कोई कहानी आपको सुनाई गई है क्या। लुकिंग फॉरवर्ड।